निशिकांत दुबे जी ने जो कुछ कहा उस बयान को प्ले करिए, और इस बयान को अश्वनी शाही जी ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बयान है और देश को भी सुनना चाहिए इस बयान को। क्यों वायरल हो रहा है ये बयान, प्लीज प्ले करिए। हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं रहे हैं? फ्री फंड का खाना दे रहे हैं तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं रहे हैं? फ्री फंड का खाना दे रहे हैं तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? फ्री फंड में अनाज दिया जा रहा है तो फिर महंगाई किस बात की, ये तर्क आपकी समझ में आया? निशिकांत जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, उनका विचार था? कोरोना काल इतना भयानक काल आया जो एक सदी में नहीं आया था, तो हमने 80 करोड़ लोगों को जब जो दिया है उसमें निशिकांत जी ने गलत कहा कहा? यानी 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दो वक्त की रोटी के लिए सरकार पर आश्रित हैं। अब देखिए ये बड़ा एक क्या कहते हैं कि बहुत ही अलग तरह का विषय है तिलक जी। हमने उस काल में राशन देने का काम किया, तो ये माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी या जो भी सरकारों ने किया, नहीं, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। उनके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हैं। हम तो वेलफेयर स्कीम को फ्री फंड कहना क्या ये सही है? मैं ये कह रहा हूँ वेलफेयर स्कीम है ना, वो तो ये रेवड़ी जैसा नहीं लगता। को हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो सक्षम था इतने दिन तक राशन देने के लिए। अच्छा, दूसरे देशों ने राशन नहीं दिया, बंद कर दिया। 200 करोड़ किस देश ने 200 करोड़ टीका लगवाया, जरा बता दीजिए हमको। मैं बात कर रहा हूं कि जो बात अश्वनी शाही जी आप कह रहे हैं कि उसको उस संदर्भ में ना लिया जाए, लेकिन आप ही के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि भैया देश के प्रधानमंत्री जो है उन्हीं की वजह से आप जिंदा हैं। आप चाहें तो मैं आपको एक बयान सुना सकता हूं, आप ही के नेता कह रहे हैं, आप सुनना चाहेंगे? बिहार के मंत्री हैं, उनका बयान है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से आप जिंदा हैं। राम सूरत राय जी, प्लीज। अरे गुजरात के तो अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का हक है, और मनमोहन सिंह जी ने सही कहा था, वो भाषण में बोल रहे हैं। नहीं नहीं, तो नेताओं के तो अपने बयान तो आते रहते हैं। नहीं, अपने बयान आते रहते हैं, लेकिन एक कह रहे हैं कि भैया आते हैं तो व्यक्तिगत हो जाते हैं। एक मिनट, वो फ्री फंड वाली बात कर रहे थे, ये कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से जिंदा है सब। सुनिए प्लीज, व्यवस्था गड़बड़ाया है कोरोना के कारण, फिर भी आपका देश, बहुत सारे देश में तो स्थिति है, आप पाकिस्तान के लोगों से बात कर लीजिए, सब लोग टीवी मीडिया के माध्यम से देखते हैं, लेकिन फिर भी आप भारत में सुकून और चैन से हैं, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज अगर जिंदा है तो वो नरेंद्र मोदी का देन है। अगर नरेंद्र मोदी अपना कोविड वैक्सीन का इतिहास नहीं करता, आविष्कार नहीं करता, फ्री वैक्सीन नहीं लगाता, ये कह रहे हैं मोदी जी की वजह से जिंदा है। इनका भाव जो है सही है, भावना सही है, कहने का तरीका भले ही गलत हो सकता है। अश्वनी शाही जी, तो ये बात तो आप ही लोग कहते थे ना, शमशान और कब्रिस्तान वाली बात। आप खबर ये है कि जीएसटी पर शमशान में आपने शमशान निर्माण में 18% जीएसटी लगा दिया सर, शमशान के निर्माण में 18% जीएसटी। शमशान के निर्माण में जो सामग्री लगती है उस पर तो पहले से लगता है, सामग्री पर तो पहले से है, शमशान का निर्माण उसके अलावा भी किसी चीज से होता। अच्छा, है क्या मतलब मोक्ष पे भी है? नहीं नहीं, ईंटे पर क्या हम वहां पर माफ कर दें? ईंटा खरीदेगा कोई भट्टे से, अगर ईंट का अगर जीएसटी लग रही है तो वो शमशान में यूज हो रहा है, कब्रिस्तान में यूज हो रहा है, या किसी के घर में यूज हो रहा है? आप तो शमशान पे भी आप वसूल रहे हैं। अरे भाई साहब, आप इसको दूसरे तरीके से क्यों ले जा रहे हैं? शमशान का क्या मतलब है? ईंटे चाहे मंदिर में लगे, चाहे शमशान में लगे, चाहे घर में लगे, ईंटों पर अगर जीएसटी है तो ईंटे पर जीएसटी है। अब उसको आप कहेंगे शमशान में लग रहा है, ये तो देश हिंदुस्तान को जो है एक भ्रमित करने वाला बयान है। अभी खत्म नहीं हुआ, आंकड़ा आया तिलक जी का, बताऊं जीएसटी का कितना आया सर? जीएसटी का नया कलेक्शन का आंकड़ा करोड़, 1,48,000 करोड़। अश्वनी शाही जी, प्रभु तिलक जी, मैं एक लाइन और है, मैं पूरा कर लूं उसके बाद आप बोलिए जी। देखिए जीएसटी जिस पर लगा है, दूध दही जिस पर भी लगा है, इस पर मेरे पास पूरी लिस्ट है, और जिसके पास लिस्ट नहीं है वो माननीय निर्मला सीतारमण जी का ट्वीट पढ़ ले। इस पर जीएसटी लगा के, बच्चों की स्टेशनरी पर जीएसटी लगा के इससे महंगाई कम होगी? ये महंगाई नहीं कम होगी, ये सभी राज्यों की बात थी। इसमें मैं ये कह रहा हूं कि अगर दोषी बनाना है तो कांग्रेस भी दोषी है, आम आदमी पार्टी भी दोषी है, बीजेपी भी दोषी है। ओके अश्वनी जी, महंगाई है कि नहीं? आम आदमी महंगाई से परेशान है। महंगाई पहले भी थी, महंगाई अभी भी है। सरसों का तेल 2016 में
109 रुपए का मिलता था किलो के हिसाब से, आज 180 रुपए हो गया। रिफाइंड का तेल 83 रुपए था, 186 रुपए हो गया। वनस्पति घी 75 रुपए का था, 160 रुपए हो गया। तेल के दाम भी बढ़ गए। मसाले हल्दी 1200 रुपए का, हींग जो है वो 2600 रुपए का हींग हो गया सर। अरहर की दाल 200 रुपए किलो हमने भी खाया है भाई साहब। कहां आप हैं तिलक जी? तिलक जी 200 रुपए किलो अरहर की दाल हम लोगों ने खरीदा है, तो हम कहीं उसके लिए इसी धरती पर और इसी कांग्रेस की सरकार में, तभी तो अश्वनी इसी सरकार में टमाटर भी हम लोगों ने खरीदा है इन्हीं लोगों के वो सरकार में। नहीं नहीं, तभी तो हमने सत्ता आपको सौंपी थी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी सरकार महंगाई कम करने के लिए हर चीज पर कदम रख रही है और बेहतर कर रही है। 14 से 2015 के दरमियान से लेकर 2021-22 तक आपने 27 लाख करोड़ रुपए एक्साइज टैक्स और डिविडेंड के मार्फत पेट्रोलियम सेक्टर से इकट्ठा किए, उसमें से 23 लाख 625 करोड़ एक्साइज ड्यूटी के मार्फत और 4,23,000 करोड़ डिविडेंड के मार्फत, यानी आपका खजाना तो भरा रहा और जनता की जेब ढीली होती रही। यह आंकड़ा क्या यह नहीं बताता? देखिए तिलक जी, आंकड़ा बहुत कुछ बताता है। हमने लगभग 50,000 किलोमीटर सड़कें भी बनाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, हमने पुल पुलिया का निर्माण जो कराया है, कनेक्टिविटी का, एयरलाइंस जो है हमारा आज लगभग 16% पर एयरलाइंस है, जबकि वो 8-9% पर हुआ करता था, वहां पर हुआ है। सामरिक रूप से हम कितने जो है आत्मनिर्भर हुए हैं, आज पहले हम कुछ नहीं बनाते थे, आज हम मिसाइल भी बना रहे हैं जो विदेशों को बेच भी रहे हैं। आज एक राइफल हमारे यहाँ नहीं बनती थी, मतलब अमेठी में फैक्ट्री थी। ऊपर ही बोझ पड़ेगा ना, हम जनता के ऊपर। 2011 में जब कच्चा तेल 150 रुपए प्रति डॉलर के हिसाब से था तो 58 रुपए में पेट्रोल मिलता था, 56 से 58 रुपए में। और जुलाई 2022 में जब कच्चा तेल 98 और 94 डॉलर के आसपास हुआ तो 96 रुपए में बिक रहा है। उसी समय क्यों कांग्रेस की सरकार ने जो है कंपनियों के हाथ में कर दिया पेट्रोल और डीजल का भाव? हाँ। ये भाजपा की सरकार ने नहीं किया। अच्छा। ये मनमोहन सिंह जी ने, और डेट भी आज मैं दिला देता हूँ, 2010 में ही किया गया था। एक बच्ची का आज जो है एक लेटर वायरल हो रहा है, हैं? छोटी सी बच्ची है, देश के प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी उस बच्ची ने, वो चिट्ठी मैं पढ़ के बताता हूं। ये देखिए, कीर्ति दुबे है कन्नौज से ही, आपके उत्तर प्रदेश से ही, 5 साल की बच्ची है। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी महंगाई को लेकर, आपने बहुत महंगाई कर दी। बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं ना कि नहीं हो रहे? अब उनकी आपने रबर पेंसिल सब महंगी कर दी। आपके घर में भी बच्चे होंगे, बोलते होंगे अश्वनी शाह जी। मैं कह रहा हूँ कि इतना उत्तर प्रदेश के लिए माननीय योगी जी को धन्यवाद दीजिए आप कि उनके प्रदेश में कितनी बढ़िया शिक्षा हो रही है कि 5 साल की बच्चियां इतनी बढ़िया चिट्ठी लिखने लगी हैं, जहां पर ABCD शुरू करती हुई बच्चियां चिट्ठी लिखने लगी, यानी कि शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में शानदार चल रही है। इस चीज को मानना चाहिए आप लोग, धन्यवाद देना चाहिए। ओके अनुराग मिश्रा जी,